जायजा ठीक था, लेकिन जब उनको लगा कि इसका जुनून है और ये वापस आने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को मेरे साथ सम्मिलित कर लिया। क्या बात, तो शब्द नहीं आज आपकी बातें सुनकर मेरे पास। हर दिन लगभग कितने गरीबों या लावारिस लोगों की लाशों को आप लोग अंतिम संस्कार या दफनाने का काम करते हैं? पहले तो शुरू में स्टार्टिंग की थी तो हफ्ते में 2 आते थे, फिर महीने में 10-15 आने लगे करते करते, अभी 2 की एवरेज तो पर डे है गरीबों की। और मैं बता दूं कि मैंने एक शमशान घाट पूर्वी दिल्ली में सीमापुरी का 2002 से पूर्वी दिल्ली नगर निगम से सेवा के लिए लिया हुआ है बिना किसी प्रॉफिट के, और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, अभी कोई भी आए और लकड़ी के पैसे नहीं है फ्री में संस्कार कराए। पता नहीं कितने हो गए वहाँ पर, 1000 हो गए संस्कार फ्री में चलाते हैं। लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, मैंने शमशान घाट लगा लिया, इतना फर्क है। एक शब्द आपने सुना होगा, कहते हैं शमशान वैराग्य। हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो कुछ दिन मन बड़ा उचाट रहता है, लगता है यही तो जीवन है, एक दिन हमको भी ऐसे ही चले जाना है। आप हर दिन उस वैराग्य को जीते हैं शंकर जी, कैसे है? मतलब 25 साल से हर दिन किसी को जाना अंतिम संस्कार करने, वो भी ऐसे लोगों का जो ना आपके रिश्तेदार हैं, जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, ना दोस्ती, अनजान लोग। मैं समझना चाह रही हूँ कि कैसे करते हैं आप। बड़ा सुकून मिलता है जी, राजा हरिश्चंद्र को भी मिला था। जब हम गुरुद्वारे मंदिर या मस्जिद जाते हैं अपने किसी भी धार्मिक स्थल पे, जब हम वापस आते हैं तो हमें लगता है यार हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आज तो हम भगवान को मिल के आ गए हैं, जो मांगेगा वो मिलेगा। लेकिन जब हम शमशान जाते हैं और वो 2 मिनट जो आप कहते हैं ना कि देख के एक बार लाश को आता है, यार क्या ले जाना है इस दुनिया से, सब कुछ यहाँ रह जाना है, वो 2 मिनट बड़े कीमती हैं। उस 2 मिनट ने मेरे जीवन को बदला है निगम बोध घाट पे आज से 25 साल पहले। अगर मैं वो लाश नहीं देखता और वो लकड़ी वाला सीन नहीं देखता तो मेरा जीवन कैसे बदलता। लेकिन आज तो आप हर दिन पता नहीं कितने मिनट कितने पल वहाँ बिताते हैं। आज भी सुबह हो के आया हूँ, यहाँ आने से पहले शमशान घाट हो के आया हूँ मैं, एक डेथ में आदत पड़ गई है और सुकून मिलता है वहाँ जाके। मैं जब देखता हूँ लोगों को, और जब भी जाता हूँ, मैं जाता हूँ तो मैं किसी और की डेथ में हूँ, वहाँ कोई ना कोई गरीब आया होता है कि शंटी जी हमारे पास तो शॉल नहीं है, शंटी जी लकड़ी नहीं है, पंडित जी को देने के लिए पैसे नहीं है। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं वो काम करता हूँ, तो मैं चोरी छिपे भी कर देता हूँ, घर बता के भी कर देता हूँ, हर तरीके से करता हूँ मैं। ऐसे किसी को भंडारे में खिलाने से अच्छा मैं ये काम ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। देखिए ना, इस इतने बड़े काल में भी जब लोग लंगर से लोगों को संतुष्ट कर रहे थे, तो हमने लाशों के उस भंडार में भी अपनी सेवा को जारी रखा। कभी किसी के अंतिम संस्कार का कोई बहुत खराब अनुभव, कोई कड़वी याद? रोज ही देखता हूँ गरीब आदमी के परिवार वाले दिल से रोते हैं, क्योंकि उनका सारा दारोमदार अपने पिता में होता है। अमीर आदमी के परिवार वाले अपने सुखों को रोते हैं, अपने पिता को नहीं रोते हैं। वो तो इस बात के लिए रो रहे होते हैं कि बड़े भाई को 40% दे गया, मुझे 20% दें, वो इस बात के लिए रो रहे हैं। और मैंने आँखों में आंसू भी नहीं देखे पैसे वालों की, उनके आंसू सूख चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं उनकी। वो अपनी खुशियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि वो दाह संस्कार करने भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मैं साल में 100 केस ऐसा करता हूँ कि जिनके बच्चे कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, और वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि शंटी जी हम नहीं आ सकते, हम आपको अथॉरिटी लेटर भेज रहे हैं, आप संस्कार कर दीजिए। और हम करते हैं संस्कार। कभी गुस्सा नहीं आता आपको? कुछ बोलते हैं आपको गुस्से में किसी को? गुस्सा मुझे आ भी जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा, लेकिन मुझे नसीहत मिलती है कि जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। एक माँ एक बाप अपने तन को मार के, अपने मन को मार के, हो सकता है कि पिता जब घर में बच्चों के लिए सामान लाता है, हो सकता है उसकी जेब में पैसे ना हो और वो कहीं से उधार लेके भी लाता हो, बच्चे की फीस भी देता है कहीं से भी लाके, घर का सामान भी लाता है, लेकिन वही पिता जब मर जाता है और वो बच्चे बड़े वेल सेटल हैं, और ये भी शॉट देखा है कि एक दोनों बेटे अमेरिका में हैं, पत्नी को
पैरालिसिस हो जाता है, पिता बेचारा उसकी सेवा करता है, मलमूत्र उठाता है, लेकिन एक दिन वो पत्नी सुबह देखती है कि उसका पति आज मेरा मलमूत्र नहीं उठा रहा, खुद वो उठ नहीं सकती, तो देखती है तो दूसरे पे पति उसका मरा पड़ा है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठ के बेचारी उसको उठा सके। बहुत दूर तक MTNL का फ़ोन पड़ा था, 3 से 4 घंटे में घिसट घिसट के वहाँ जाती है, फ़ोन मिलाती है लेकिन बोल नहीं पाती है, लेकिन फ़ोन नंबर से पड़ोसी समझ जाते हैं कि कोई बात है, कि ये फ़ोन पर बोल नहीं रहे हैं, और गेट तोड़ के अंदर आते हैं, उठाते हैं। शहीद भगत सिंह सेवादल को फ़ोन आता है, हम जाते हैं उनके, और जैसे ही उनको ले जाने थे तो मिसिस की भी डेथ हो जाती है उस शॉक में। फ़ोन किया जाता है अमेरिका में, तो उन बच्चे कहते हैं जी हमको तो बहुत समय लगेगा, आप संस्कार कर दीजिए। मतलब पूरे शहर के कंधे थे उनके पास, जिनको पैदा किया था वो कंधे नहीं थे। तभी लिखा ना गुरबानी में, जगत में झूठी देखी प्रीत, इसलिए ये बहुत कुछ देखा है जी, मुझे आंखों से देखा है, भूल नहीं पाता हूं। और ये सच है जीवन का, हम लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिनको प्यार करते हैं वो बड़े होकर उस प्यार को भूल जाते हैं, उनको कुछ और दिखता है, उनका उनके लिए प्यार से ज़्यादा चीज़ों की कीमत है। इसलिए मैंने तो अपने जीवन को बदल लिया जी, काफ़ी हद तक मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ इस बात से कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, किसी के ऊपर हम उम्मीद ही ना रखें, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर दें। मेरे पास दसियों फ़ोन ऐसे आते हैं कि शंटी जी मैं लिख के जा रहा हूँ कि मेरी डेथ हो जाए तो संस्कार मेरे बच्चे ना करें, आप करें, लिख के जाते हैं। उन्हें पता होता है कि नहीं करेगा कोई उनका, करेगा भी तो कहते नहीं, हम आपसे कराना चाहते हैं, कम से कम आप विधिवत तो कर दोगे, समय पर तो कर दोगे। चलिए अब सबसे मुश्किल वक्त की बात करते हैं, जिसका सामना हम सब ने किया, पूरी दुनिया ने किया, और बहुत लोगों ने अपने काम बंद कर दिए, मतलब चाहे वो प्रोफेशनली कहें या मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ जो समाज सेवा भी कर रहे थे, उन्हें बंद करनी पड़ी लॉकडाउन की वजह से। और उस बीच मुझे पता चला कि शंटी जी ने काम बंद नहीं किया, क्योंकि मौतें बढ़ रही थी और लोगों के अंतिम संस्कार भी बढ़ रहे थे, ऐसे में आपके पास भी तो एक वजह थी कि आप घर बैठ जाते, काम बंद कर देते, और कोरोना फैल रहा था, आप अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे थे, ऐसा क्यों? शुरुआत में तो हमने खाने पीने से काम शुरू किया, क्योंकि लॉकडाउन से पहले एक ऐसा माहौल बन गया था कि बाजार बंद हो रहे हैं, ये हुआ है। तो हमने जहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बना था मंडोली जेल में, तो मैंने वहाँ सेवा शुरू की खाने पीने की, लंगर की। फिर मुझे DM साहब ने कहा कि शंटी जी हमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है आने वाले समय में, हमें लगता है बहुत बढ़ेगा ये। तो मेरे कई साथियों ने कहा यार ये तो मौत का मंजर है, तो सही बात, आप बहुत बड़ा पंगा ले रहे हो, मना कर दो। मैंने कहा शहीद भगत सिंह को जुनून था, तो उन्होंने कहा था ना कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। उनकी माँ ने भी कहा था शादी करा दूंगी, तो उन्होंने कहा था कि दुल्हन तो ब्याह के लाऊंगा पर आज़ादी के रूप में। यार 25 साल से सेवा कर रहे हैं देश की हम, और आज इतनी बड़ा देश के ऊपर विपत्ति आई है, मानवता के ऊपर।